अंबल जब बेहोश हो जाते मार खा खा करके, तो इनको तलवारों और तीरों से ऐसा कचोके लगाकर होश में लाया जाता, लेकिन मुर्दा लाश की तरह बेहोश रहते ये। इस तरह से जुल्म सितम, लेकिन जब होश आता यही बात होती। कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। अगर तुम कहते हो कि कुरान मखलूक है, आतूनी शय्यम मिन किताबिल्लाह मिन सुन्नत रसूलिल्लाह, आओ मुझे दलील दो कि अल्लाह ने कुरान को मखलूक कहा है, तो मैं भी मानने के लिए तैयार हूं। अगर अल्लाह ने अपने कलाम को मखलूक कहा है, मैं मानने के लिए तैयार हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। अगर अबू बकर ने कुरान को मखलूक कहा है, तो दलील दो। उमर ने कहा है, दलील दो। उस्मान गनी ने कहा है, दलील दो। अगर अली इब्न अबी तालिब ने कहा है, सहाबा ने कहा है, तो हमें एक कौल बता दो कि इन्होंने कहा है कि कुरान मखलूक है, मैं मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन इसके सामने कोई जवाब नहीं था। बड़े बड़े मुहद्दिसीन बनने वाले उस दौर के झूठे मक्कार उलमा दरबार में बैठे हुए फतवे देते थे कि नहीं, ये अहमद बिन हम्बल झूठा है, ये फितना फैला रहा है दुनिया के अंदर, और ये हमारी हुकूमत और सल्तनत से लोगों को बर्दश्ता कर रहा है, हमारी जमात हमारी पार्टी के दरमियान इख्तलाफ पैदा कर रहा है, इसको इसी तरह से ईजाएं और तकलीफें दी जाएं। और इमाम अहमद बिन हम्बल तने तनहा दुनिया के सामने। मेरे भाइयों, कहना बड़ा आसान है, लेकिन जरा चश्मे तसव्वुर में जरा देखो कि ऐसा इमाम जो इस तरह की मशक्कतें बर्दाश्त कर रहा हो एक हक बात के लिए, एक हक बात के लिए, ये कोई मामूली मशक्कत नहीं है। चुनांचे मेरे अजीजों, इस तरह से इमाम अहमद बिन हम्बल पे ये मशक्कतों के मौतसिम का दौर आया, और मौतसिम के जमाने में मजीद जुल्म सितम के दास्तान शुरू हुए। और अल्लाहु अकबर, हकीकत यह है कि इमाम अहमद बिन हम्बल जब कोड़े खा खा करके बेहोश हो गए, तो तकरीबन कमोबेश ये तशद्दुद और ये ताजीब का सिलसिला डेढ़ बरस तक जारी रहा। कितना? एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, बल्कि मुसलसल डेढ़ बरस तक यह सिलसिला जारी रहा। जब ये लोग मायूस हो गए कि अहमद बिन हम्बल अपनी बात से टलने वाला नहीं है, तो उनको आजाद कर दिया और घर के अंदर नजरबंद कर दिया कि तुम अब घर से बाहर नहीं निकलोगे। जब घर के अंदर थोड़ी तबीयत इनकी सुधरी कुछ दिनों के बाद में, जख्म मुंदमिल हुए, तो फिर मस्जिद के अंदर आना जाना शुरू हुआ और मस्जिद के अंदर दर्स देना इन्होंने शुरू किया। फिर बादशाह का आर्डर आया कि तुम मस्जिद के अंदर भी दाखिल नहीं हो सकते। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बेचारे उस वक्त अपने घर के अंदर ही नमाज पढ़ते थे, और सबसे मिलना जुलना उस वक्त उनका बंद कर दिया गया। चुनांचे थोड़े दिनों के बाद में मोतसिम का जब इंतकाल हुआ, तो उसके बाद मोतसिम के बाद वासिक नाम का खलीफा जो मुसलमानों का अमीर बना, अमीरुल मुस्लिमीन, वो जब बना, तो यहां से आजमाइशों का एक नया सिलसिला फिर शुरू हुआ। चुनांचे मोतसिम के जमाने में कोड़े और ईजा रसानी और जिस्मानी अजियतें और ताजीब दी जाती थी, लेकिन इसके जमाने में अस्तग़फिरुल्लाह इस कदर इस मजबूर किया गया इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को कि अब हदीस का बयान करना, हदीस पढ़ाना, हदीस के ऊपर लोगों को दावत देना, ये तमाम सब चीजें मना कर दी गईं। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अपने घर के ही होके रह गए। और एक दफा चुनांचे एक रिवायत के अंदर आता है कि यही अहमद बिन हम्बल थे, तो इनके साथ फकीह मस्र इमाम यूसुफ बिन यहिया अल बोएती थे, जो इमाम शाफई के शागिर्द थे। उन्हें हुक्म दिया गया था कि वो कुरान के मखलूक होने का इकरार करें, लेकिन इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के इस जो है शागिर्द ने, जबकि बेड़ियां पड़ी हुई, इन्होंने भी इनकार कर दिया कि हरगिज नहीं, हम कुरान को मखलूक नहीं मान सकते, बल्कि कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का कलाम मखलूक नहीं हो सकता। कैद ही के अंदर इनको डाल दिया गया और कैद ही के अंदर पिजरे बन के गई, वहीं वफात हो गई इनकी। नुएब बिन हम्माद को भी कैद के अंदर डाल दिया, और वो कैद आजकल के कैद नहीं, जमीन दोज कैद होते थे, कुएं बना देते थे कुएं, और कुएं अंदर सुरंग होते थे, उसके अंदर डाल देते थे, उसमें कोई नहीं होता था, ऊपर से ढक्कन खोलकर खाने दे दिए, जो मिल गया, नहीं तो अंदर ही पिजड़े बन जाते थे लोग, कितने हड्डियां सड़ पड़ करके वहीं खत्म हो जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं रहता था उनका। इस तरह के अजाब, कभी उजाले नहीं देखते, तारीखियों में उनकी जिंदगी गुजरती थी। चुनांचे एक दफा हजरत अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह
इसी तरह से कैद करके दरबार में लाया गया और इनको डराने के लिए एक बहुत बड़ा मंजर कायम किया गया। दरबारी मुल्ले सारे मौलवी बैठे हुए, बड़े बड़े टोपियां लगाए हुए और बड़े बड़े फतवे देने वाले बगदाद के बड़े बड़े इल्म वाले मंतिक फलसफे अहलुर राय बैठे हुए। चुनांचे जब हजरत अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को सामने लाया गया तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से कहा गया और उनसे कहा गया, ये बताओ कुरान मखलूक है कि गैर मखलूक है। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा कुरान मखलूक नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। कहा अल्लाह का कलाम हम भी मानते हैं लेकिन ये बतलाओ कि ये मखलूक है कि नहीं। कहने लगे अल्लाह का कलाम मखलूक नहीं हो सकता है। फौरन दो आदमियों को बुलाया गया और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के सामने उनको कत्ल किया गया। दो आदमियों को डराने के लिए इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने दरबार में देखा, इमाम शाफई का शागिर्द बैठा हुआ था, उसने कहा ए फला जरा हमें बताओ मोजों के ऊपर मसह करने के ताल्लुक से इमाम शाफई का कोई कौल है। यानी उस वक्त का जो मुनाजिर था बादशाह का, उसने कहा ये अजीब व गरीब आदमी है कि मौत इसके गर्दन इसके सर के पास इसके सर के ऊपर नाच रही है, तलवारें इसकी गर्दन के करीब हैं और इस वक्त भी ये मसले मसाइल में फंसा हुआ है। उस वक्त भी वो मौत की आंखों में आगे डाल करके इस तरह से हक का पैगाम लोगों के सामने देते रहे। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की तारीख में ये एक वाकया बगदाद का ये भी आता है कि जब इनको हथकड़ियां लगाकर दरबार में पहुंचाया जाने लगा तो बादशाह के दरवाजे पर दुनिया पूरी पूरा बगदाद उमट करके आया था मुनाजरे में, पूरा बगदाद देखने के लिए आया था कि आज अहमद बिन हंबल को क्या जवाब देना है। और जो अहमद बिन हंबल जवाब देंगे वही हम सबका जवाब। पूरा बगदाद पूरा बगदाद का पूरा इलाका और मसर शाम और कूफा बसरा दुनिया उमट के आई थी अहमद बिन हंबल को देखने के लिए। क्या दरबार में अहमद बिन हंबल का मुनाजरा होगा? देखो आज इनकी जिंदगी का आखिरी वक्त है, क्या यह फैसला करते हैं? और जब दरबार में जाने लगे उस वक्त गेट पर एक चोर मिला इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से बाद में पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे उस चोर की बातें मुसलसल मेरे दिमाग में जो है कछो के लगाती रही। उस बगदाद के चोर ने हाथ पकड़ करके कहा अहमद मैं जिंदगी भर चोरी करता रहा हूं और आज भी चोरियां करता हूं और हमेशा पकड़ा गया हूं और जब भी पकड़ा गया हूं मेरे हाथ कट गए हैं देखो, लेकिन मैं अपनी चोरी से बाज नहीं आया हूं। मेरी पीठें सुर्ख हो गई हैं, जख्म खुर्दा है, एकदम गड्ढे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं अपनी इस चोरी की हरकत से बाज। और तुम तो हक पे हो, तुम हक पे हो, हमने इतना जुल्म सहने के बाद भी अपना यह जुर्म नहीं छोड़ा है तो तुम भी कितना भी जुल्म सह लेना, हक के दामन को हाथ से न जाने दे। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को दरबार में पहुंचाया गया इसी हालत में और वहां भी पूरा दरबार भरा हुआ और इमाम अहमद बिन हंबल हाथों में बेड़ियां और पैरों में जो है लोहे की पूरी जंजीरें पहनाए हुए खड़े हुए। पूछा गया बोलो, इमाम अहमद हंबल ने वही बात कही आतूनी शैयम मिन किताबिल्लाह, मुझे किताबुल्लाह से कोई दलील ला के दो, अल्लाह के कुरान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से कोई दलील ला के दो, हज़रत अबू बकर की कोई दलील दो, हज़रत उमर हज़रत उस्मान हज़रत अली की कोई बात दो। लेकिन किसी ने आवाज नहीं आई। जो मुनाजिर आलिम था उस बादशाह की तरफ से इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा अब मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं कि ना अल्लाह की कोई दलील, ना रसूलुल्लाह की कोई दलील, ना अबू बकर की, ना उमर की, किसी की कोई दलील तुम्हारे पास नहीं है तो यह बताओ तुम्हें यह बात कैसे मालूम हुई कि कुरान मखलूक है? जो बात तुम्हें मालूम हुई क्या अल्लाह को मालूम न थी, रसूल को मालूम न थी, अबू बकर उमर फारूक उस्मान अली को मालूम न थी? कहने लगे नहीं अल्लाह को मालूम रसूल को मालूम सब। तो बोले अल्लाह को क्या मालूम, मखलूक या गैर मखलूक? अगर मखलूक तो दलील दो और अगर अल्लाह को मालूम था तो अल्लाह ने बतलाया क्यों नहीं? इस तरह से इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने अहादीस और कुरान के जरिए उस मुनाजरे को फतह किया। वासिक उछल पड़ा अपने तख्त से और उसने कहा अहमद सही कह रहे हैं, जब अल्लाह ने नहीं बतलाया रसूलुल्लाह ने नहीं बतलाया लेकिन फिर भी उस जालिम बादशाह ने फिर भी उसके बावजूद भी उसने कहा कि बहरहाल
یہ ہمارے علماء درباری جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح. اس طرح سے میرے عزیزو میرے دوستو عجیب و غریب موقف تھا حضرت امام احمد بن حنبل کے تعلق سے. کچھ لوگ یہ کہتے